नमस्कार दोस्तों, आज हम जो हमारी UGC नेट और LT और जो PGT हिंदी से संबंधी जो हमारी सीरीज है चल रही है, उसका हम पार्ट दूसरा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें हम दोस्तों 11 से लेकर 22 तक क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और अंत में हम एक प्रश्न आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कल का क्वेश्चन था हमारा कि नाटक जारी है के किसका संग्रह है। ये हमने क्वेश्चन पूछा था आपका आपसे कल की वीडियो में, उसमें हमने पूछा था कि नाटक जारी है किसका काव्य संग्रह है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दी गई थी, श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत बेताले, धूमिल और लीलाधर जुगोड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीलाधर जुगोड़ी। दोस्तों इनके प्रमुख नाटक जो रचनाएं हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर, एक इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। ये इनकी रचनाएं हैं लीलाधर जुगोड़ी की। और धूमिल की रचनाओं की बात की जाए तो संसद से सड़क तक, ये 1960 में लिखी गई रचना प्रकाशित हुई, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये धूमिल की रचनाएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रकांते वेताल की। तो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, फेमस रचना इनकी हड्डियों में छिपा ज्वर, 1973 में यह प्रकाशित हुई है। और दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि हड्डियों में छिपा ज्वर, एक बार पढ़ना आप जिससे आपको समझ आएगी। और उनकी इनकी एक और रचना है दीवार पर खून से, दीवारों पर खून से, ये चंद्रकांते वेताल की रचना है और ये 1975 में लिखी गई है। और एक और भी है इनकी, लकड़बग्गा हंस रहा है 1970 में। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे तो बहुत प्रकार की रचनाएं हैं इनकी, परंतु तीन की प्रमुख है, जिसमें हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से और लकड़बग्गा हंस रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि चंद्रकांते वेताल का जन्म, ये इनका जन्म हुआ था 1936 में और मृत्यु उनकी 2017 में हुई थी। और इनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के बैतूल गांव में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। तो चार ऑप्शन दी गई है, दिनकर, निराला, पंथ, प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा दिनकर। दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है दोस्तों, आग और राग का कवि। अब हम बात कर लेते हैं कि रामधारी सिंह जी की रचनाएं, रेणुका है 1935 ईस्वी में, इसका प्रकाशन वर्ष है। हुंकार है 1939 ईस्वी में, रसवंती 1940 ईस्वी में और द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी में। कुरुक्षेत्र इनकी रचना है और शाम धेमी है 1947 ईस्वी में, रसीमरथी 1952 में, उर्वशी के ऊपर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1972 ईस्वी में दोस्तों, परशुराम की परीक्षा 1963 ईस्वी में और हारे के हरिनाम, ये इनकी प्रमुख रचना है। और इनमें से एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कई बार आपको क्रम में लगाने को प्रश्न पूछा जाता है। निराला की रचनाएं देख लेते हैं हम, अनामिका है, परिमल है और गीतिका है, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, नए पत्ते है, ये निराला जी की रचनाएं हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक और फेमस रचना है निराला जी की, 1916 में इसकी लिखी गई है, जूही की कली, जिससे इन्हें प्रसिद्धि मिली थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारे सुमित्रा नंदन प्रसाद जी है, प्रसाद जी की रचनाएं हैं, प्रसाद जी उर्वशी है, उर्वशी ने लिखी है, मन मिलन है इनकी रचना है, प्रेम राज्य है, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्रधारा और काम्यानी, काम्यानी इनका प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। अब सुमित्रानंद पंत की बात की जाए, सुमित्रानंदन पंत की बात की जाए तो इन्होंने उच्छ्वास, ग्रंथी, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूमिल धूली और कला और बूढ़ा चांद, ये रचना प्रमुख है दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, लोकायतन है और चिंदमरा, लोकायतन पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों।
13वां प्रश्न है हमारे पास, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो पहला ऑप्शन है नानक, कबीर, सूरदास, दादू, सुंदरदास, दादू। दूसरा है कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। तीसरा है कबीर, दादू, नानक, सुंदरदास। और चौथा है नानक, सुंदरदास, कबीर, दादू। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कबीर, नानक, दादू और सुंदरदास। कबीर का जन्म हुआ 1398 ईस्वी में और 1518 में मृत्यु हुई। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ और 1538 में मृत्यु होगी। दादू दयाल का हुआ 1544 ईस्वी में और 1603 में इनकी मृत्यु होगी। सुंदरदास का जन्म हुआ 1596 ईस्वी में और 1699 में इनकी मृत्यु होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है शिवराज भूषण, ललित राम, पद्माभरण, नवरस स्त्रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ललित लाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण और नवरसतंग। ललित लाम इसका रचनाकाल हमें ज्ञात नहीं है और ये मतीराम की रचना है। शिवभूषण है 1673 ईस्वी में इसका रचनाकाल है और भूषण के द्वारा लिखी गई है। पद्माभरण पद्माकर द्वारा और नवरस तरंग ये लिखी गई है 1817 में, इसका रचनाकाल है और बेनी परवीन की ये रचना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, जन्म के अनुसार कवियों का सही क्रम। मैथिली शरण गुप्त है, सिरदर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है सिरदर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरदर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसकी व्याख्या है हमारे पास, सिरदर पाठक का जन्म हुआ 1859 में, मैथिली शरण गुप्त का हुआ 1886 ईस्वी में, राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म हुआ 1899 ईस्वी में और जी हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ 1899 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हमारे पास, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बच्चन, अगे, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ हमारे 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। सचिनानंद हीरानंद वासेन अगेन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। गजानंद माधव मुक्तिबोध 1917 में ईस्वी में जन्म हुआ इनका। और रघुवीर सहाय की बात की जाए तो 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 17वां प्रश्न है हमारे पास, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। विश्वनाथ प्रसाद ये किस उपन्यास का पात्र है। तो ये मैला अंचल का पात्र है दोस्तों। और मैला अंचल किसने लिखा है, तो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है। 1924 में इसका प्रकाशन है दोस्तों। रेणु जी का यह उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है ये दोस्तों। और इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा का वर्णन किया गया, ये इसका ये उपन्यास का विषय है। रेणु के अन्य उपन्यास है परती परिकथा, 1957 में इसका प्रकाशन रचनाकाल है। दीर्घ तपा, जलूस और कितने चौराहे। अठारवां प्रश्न है हमारे पास, बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी, शेखर एक जीवनी। ये अगे जी का उपन्यास है शेखर एक जीवनी और इसका जो प्रकाशन रचना काल है ये 1940 ईस्वी में है। और इसका जो भाग दो है ये 1944 ईस्वी में इसका रचना काल है। और नदी के द्वीप इनका ही उपन्यास है अगे जी का, अपने अपने अजनबी, ये अगे जी का उपन्यास है। 1961 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। अकहानी के प्रमुख प्रवर्तक है, जो अकहानी है उसके प्रमुख प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा प्रसाद बिमल
कहानी के प्रमुख प्रवर्तक है। कहानी के प्रमुख प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल जी है, जबकि महीप सिंह सचेतन कहानी के प्रवर्तक है, आंदोलन के प्रवर्तक है दोस्तों महीप सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद जी का है? तो करबला प्रेमचंद जी का नाटक है दोस्तों, करबला नाटक प्रेमचंद जी का नाटक है। प्रेमचंद जी ने 3 नाटक लिखे हैं, करबला 1928 ईस्वी में, संग्राम 1922 ईस्वी में और प्रेम की वेदी, ये 1933 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद जय जय प्रजय नाटक के नाटककार उपेंद्रनाथ अशक है दोस्तों, तथा रुपए तुम्हें खा गया, ये इस नाटक के रचनाकार हैं हमारे भगवती चरण वर्मा। और जबकि कृष्ण अर्जुन युद्ध इस नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी और 1918 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है, नहीं है की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबंध प्रभाकर, ये इनका निबंध संग्रह नहीं है। व्याख्या की जाए तो प्रबंध प्रभाकर 1933 निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है बल्कि बाबू गुलाब राय है, तो ये किसका निबंध है? बाबू गुलाब राय का निबंध है दोस्तों। जबकि नाथ संप्रदाय साहित्य का मर्म ललित्य मीमांसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, तो ये जो ये 3 है ये इनके निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, और जो ये हमारा प्रबंध प्रभाकर है ये बाबू गुलाब राय जी का निबंध संग्रह है और 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। आज का जो हमारा प्रश्न है, प्रकृतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दी गई है, इनको इनमें से आपको सही आंसर बताना है और पूरी व्याख्या के साथ इसका आंसर आपको देना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।